उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अब्बास नगर में बिजली न आने पर जनता में आक्रोश देखने को मिला। क्षेत्रीय जनता सड़कों पर आ गई। वहां के निवासियों का आरोप है कि पिछले 8 दिनों से इलाके में बिजली नहीं है और ना ही गलियों में बिजली के लट्ठे हैं, जिससे बिजली गलियों में बने घरों तक नहीं पहुंचती। लोगों ने आरोप लगाया है कि हमारी लाइट काट दी गई है और गर्मी से हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, जिससे कि इलाके में बीमारी फैल रही है। आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं। वहां के निवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने पर भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। नहीं आ रही है कि बच्चे हम गलियों में सो रहे हैं, हमारे बच्चों को डेंगू हो रहा है, हमारे बच्चों को बुखार आ रहा है और हम यहां पर कब से नहीं आ रहे। 8 दिन हो गए भैया, 8 दिन से गर्मी मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। हमारे तार काट दिए। हाँ करी, हम कल भी गए थे दोपहर में, कल दोपहर से आए थे, हमारे संगे और भी गई थी, औरतें सब गई थी। बहनावे भी लगा रहे हैं घर पे, लट्ठे नहीं, गलियों में लट्ठे नहीं ला रहे, कुछ नहीं जवाब दिया उन्होंने। जो करिए, हम पे कोई वो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है हम पे कोई। आज कह रहे हैं अभी हम उन्होंने विधायक उनसे बात करी थी, वो जो कह रहे हैं, कह रहे हैं जई साहब से बात करी हमने, जो कही हमारे बच्चे बीमार हैं और हमारे बच्चों को डेंगू में बुखार में तबीयत खराब है, गलियों में लेट रहे हैं हम, तो हमारे बच्चे से जो कह गए हैं कि तुम्हारे बच्चे हॉस्पिटल में भरते, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, और मर जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। जई साहब ने अच्छा कौन सा फीडर लगता है ये? जे लगता है रेपरा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।